हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एमके क्लासेस में। आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि आईबीपीएस क्लर्क में एक काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज दोस्तों यहां पर आई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 5830 टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है वैकेंसीज का। तो ये आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, इस फॉर्म के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब की सब चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। आप स्टार्टिंग में जैसे ही देखोगे एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू जॉइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक्स लिस्टेड एज अ क्लर्क, यहाँ पे आईबीपीएस क्लर्क के लिए ये वैकेंसीज आई है। आप सबको पता है इसमें टू फेजेस होते हैं, एक तो प्री और एक मेन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसकी मेन इस नोटिफिकेशन की मेन बातों पर अगर हम जाएँ, यहाँ पर सबसे पहले आप पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देखोगे कितनी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है। तो यहाँ पर टोटल 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है, ठीक है। 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स यहाँ पर है। और ये कब से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, 12 जुलाई से, यानी कि कल से ही ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और 1 अगस्त दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। तो आप देख सकते हो ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसमें कुछ समय आपको दिया नहीं गया है, जैसे JKSSB के द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर आपके लिए यही महीना लास्ट है, ठीक है। 12 जुलाई से कल से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर अगर आप बाकी चीज़ों को देखो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका प्री के लिए कब है टेंटेटिव डेट, 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 4 सितंबर। तो ये तीन इसकी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये तीनों इसकी डेट्स हैं कि एग्ज़ाम इसका कब होगा। तो आप लगा दो लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीना ही है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, जिसका रिज़ल्ट सितंबर अक्टूबर में निकाल दिया जाएगा 2021 में। उसके बाद आपका मेंस होगा 31 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके लिए वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा नंबर है दोस्तों। 5830 काफ़ी अच्छा नंबर होता है वैकेंसीज़ के लिए। जो भी लोग बैंकिंग में अपना करियर देखते हैं तो आप सबके लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको इसका पता ही होगा, एक तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की होनी चाहिए, नेपाल की, भूटान की। एज क्या है यहाँ पर, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स यहाँ पर आपको एज के लिए बोला गया हुआ है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि एक डिग्री ग्रेजुएशन वो फिर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। यहाँ पर डिग्री आपकी चलेगी, यानी ग्रेजुएशन बेसिस पर ये फॉर्म है। इसके बाद अगर हम बाकी मेन इसकी इंपॉर्टेंट बातें देखें तो गाइडलाइंस वगैरह वही, यहाँ पर कैटेगरीज आ गई, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। यहाँ पर अगर आप देखो कि मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते कैसे हैं, एक प्री एंड मेंस। तो ये पीओ का नहीं है, अगर पीओ होता तो फिर इंटरव्यू भी होना था। यहाँ पे क्लर्क के लिए पोस्ट है, ये आपका एक प्री होगा और एक मेंस होगा। यहाँ पे अगर आप सिलेबस ध्यान से देखो, प्री में जैसा कि आप सबको पता है तीन आपकी सेक्शंस होती है, इंग्लिश सेक्शन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होते हैं, 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड 35 रीजनिंग एबिलिटी में, जिसके लिए आपको 20-20 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए दिए जाते हैं। तो टोटल 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 100 क्वेश्चंस आपको उसमें आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री के बाद होता है आपका मेन एग्जामिनेशन, जिसमें आपको सबको पता है जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है, जनरल इंग्लिश होती है, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर अगर आप जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, 50 रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, 50 ही क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर देख सकते हो, हर एक टेस्ट के लिए सेपरेट टाइम दिया जाता है, 35 आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, 35 आपको इंग्लिश के लिए, 45 आपको दिए जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए, और 45 ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दिए जाते हैं। तो ये दोनों आपके प्री और मेंस के लिए आपका सिलेबस हो गया, अगर आप देखो कि आपके सेक्शंस किस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। उसके बाद अगर बात की जाए इसके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ टू अप्लाई। देखिए आपको ये अप्लाई कैसे करना, आप सबको पता है कि ये कल से अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें स्कैन करनी होगी, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, आपको सबको पता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन चलेगा, ए हैंड रिटन डिक्लेरेशन चलती है यहाँ पर,
सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कैपिटल लेटर्स में आपका सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं होगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन विल शुड बी प्रॉपरली स्कैंड होना चाहिए। ये आपके नीचे एक डिक्लेरेशन दी जाती है आपकी तरफ से, ठीक है। और आपका जैसे कि आप सबको पता है कि पेमेंट आपकी ऑनलाइन होती है इसमें। यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 850, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएक्सएसएम कैंडिडेट्स के लिए 175। ओके, तो प्रोसीजर कैसे रहेगा, आपको सबसे पहले इनकी वेबसाइट पर विज़िट करना है। आप सबको इनकी वेबसाइट पता ही है, यहाँ पर इनके द्वारा मेंशन भी की हुई होगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, ये देखो www.ibps.in, ठीक है, www.ibps.in वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर लिंक ओपन करना है CRP क्लर्क एंड देन क्लिक ऑन द ऑप्शन क्लिक हेयर टू अप्लाई। वहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई करके आप अपना फॉर्म ये फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैकेंसीज़ कौन कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ है। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर इधर ऊपर होगा, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी कितने कौन कौन से बैंक में कितनी वैकेंसीज़ है, कैटेगरी वाइज क्या है, ये सब आप यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हो। और साथ ही साथ बाकी स्टेट्स में भी, बाकी यूनियन टेरिटरीज में कैसे इसकी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, ये सब कुछ आप इस नोटिफिकेशन में देख लोगे। जब हम इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम में दोस्तों अपना अगर आप कैरियर सोचते हो तो आप उसके लिए इसके लिए तैयारी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, 5830 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है इसमें। कल से ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट इसकी 1 अगस्त को है। और आपको पता ही है कि इनके द्वारा जो एग्ज़ाम के लिए डेट्स बोली गई है 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 4 सितंबर, ये तीनों डेट्स इनके द्वारा निकाली गई हुई है। तो ज़्यादा दूर आपका एग्ज़ाम है नहीं, सिर्फ आपके पास 1.5 महीना ही है, तो आप अभी से ही इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम में अपना फ्यूचर देखते हो। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है वैकेंसीज़ के लिए भी, हम आपसे ज़रूर उसको अवेयर करेंगे।